लास्ट वीडियो के अंदर हमने रिलेशन एक्सट्रैक्शन का टॉपिक स्टार्ट किया था। रिलेशन एक्सट्रैक्शन का सबसे जो आसान तरीका है दैट इज पैटर्न्स, जिसमें हम पैटर्न्स जो है वो यूज़ करते हैं रिलेशन्स को एक्सट्रैक्ट करने के लिए। तो इस वीडियो के अंदर हम थोड़ा सा देखते हैं कि पैटर्न्स को हम किस तरह से यूज़ कर सकते हैं फॉर रिलेशन एक्सट्रैक्शन। सो पैटर्न्स जो यूज़ किए गए सबसे पहले 1992 में हर्स्ट ने यूज़ किए, और आइडिया बेसिकली ये था कि फॉर एग्जांपल लेट्स से कि हम इज ए रिलेशनशिप जो है वो एक्सट्रैक्ट करना चाह रहे हैं बिटवीन टू एंटिटीज़। तो उसमें जो टेक्स्ट हमारे पास अवेलेबल होगा उसमें डिफरेंट टाइप ऑफ पैटर्न्स होंगे। जैसे कि यहाँ पे अगर आप ये सेंटेंस जो ब्लू कलर में आपको नज़र आ रहा है, अगर इज अ सब्सटेंस प्रिपेयर फ्रॉम अ मिक्सचर ऑफ रेड एलेक या सच एज, तो इसमें सच एज जो है ये इस तरह की का पैटर्न है जिससे हम ये आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि जो जेलिडियम है ये बेसिकली रेड एलिजिया की एक टाइप है, राइट। सो इस तरह से आप पैटर्न्स जो हैं वो यूज़ कर सकते हैं इज ए रिलेशंस जो हैं उनको एक्सट्रैक्ट करने के लिए। तो ये बेसिकली आइडिया है कि हम पैटर्न्स जो हैं वो यूज़ करें रिलेशंस एक्सट्रैक्शन के लिए। अच्छा, अब इसमें हर्स्ट ने जो 1992 के अंदर पैटर्न्स डिफाइन किए इस पर्पस के लिए, वो काफ़ी सारे डिफरेंट पैटर्न्स थे जिसमें के डिफरेंट रेगुलर एक्सप्रेशंस जो हैं वो यूज़ किए गए, और उसकी कुछ एग्जांपल्स यहाँ पे आप देख सकते हैं, जैसे कि वाई सच एज एक्स, सच वाई एज एक्स, एक्स आर अदर वाई, एक्स एंड अदर वाई। तो इस तरह से ये डिफरेंट पैटर्न्स जो हैं ये उसने डिफाइन किए, और उसकी बेस पे ये डिफरेंट आपको एग्जांपल्स यहाँ पे नज़र आ रही हैं, जैसे कि एक्स एंड अदर वाई, टेम्पल्स, ट्रेजरीज एंड अदर इम्पोर्टेंट सिविक बिल्डिंग्स। ठीक है, तो इससे पता चल रहा है कि ये पहली जो एंटिटीज आ रही हैं वो भी सिविक बिल्डिंग्स ही हैं। ठीक है, इसी तरह से एक्स और अदर वाई अगर हम देखें तो उसकी एग्जांपल्स में ब्रोसिस वाउंड्स एंड ब्रोकन बोन्स एंड अदर और अदर इंजरीज। ठीक है, तो इससे भी आइडिया हो रहा है कि पहली वाली जो एंटिटीज हैं वो भी इंजरीज हैं बेसिकली। इस तरह से ये डिफरेंट जो पैटर्न्स हैं वो आइडेंटिफाई करने में हेल्प करते हैं कि डिफरेंट एंटिटीज जो हैं उनमें इज ए का रिलेशनशिप जो है वो होल्ड करता है या नहीं करता। अच्छा, अब ये इज ए रिलेशनशिप जो है ये तो एक काफ़ी हम ये कह सकते हैं कि जनरल लेवल का रिलेशनशिप है, जेनेरिक रिलेशनशिप है। हम थोड़ा सा स्पेसिफिक एंटिटीज और रिलेशनशिप्स भी फाइंड करना चाह रहे होते हैं, जैसे कि हमने पहले भी डिस्कस किया था कि हम लोकेटेड इन लेट से आइडेंटिफाई करना चाह रहे हैं कि ऑर्गेनाइजेशन और लोकेशन के दरमियान लोकेटेड इन का रिलेशनशिप जो है वो हम आइडेंटिफाई करना चाह रहे हैं कि कौन सी ऑर्गेनाइजेशन जो है वो कहाँ पे लोकेट करती है। इसी तरह से पर्सन और ऑर्गेनाइजेशन के दरमियान हम फाउंडेड का रिलेशनशिप आइडेंटिफाई करना चाह रहे होते हैं। इसी तरह से ड्रग और डिजीज़ के दरमियान हम क्योर जो है उसको क्योर करती है या नहीं करती उसका रिलेशनशिप जो है वो एक्सट्रैक्ट करना चाह रहे होते हैं, और ये काफ़ी यूजफुल हो सकता है। तो इस तरह के रिचर जो रिलेशनशिप्स हैं उसके लिए भी कुछ रूल्स जो हैं वो हम डिफाइन कर सकते हैं। ठीक है, तो इसमें सबसे पहला ज़रूरी चीज़ ये है कि हम नेम्ड एंटिटीज़ तो रिकग्नाइज कर लें, क्योंकि रिलेशंस हम तभी आइडेंटिफाई कर सकते हैं या एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं जब हमें पता है कि ये दो एंटिटीज़ एग्जिस्ट करती हैं इस सेंटेंस में लेट्स से। तो उस सेंटेंस में जो दो एंटिटीज़ एग्जिस्ट करती हैं उनका आपस में क्या रिलेशनशिप है उसको हम फिर ही आइडेंटिफाई कर सकते हैं। तो पहला स्टेप इसमें यही होगा कि हम नेम्ड एंटिटीज़ जो हैं उनको रिकग्नाइज करें। अच्छा, नेम एंटिटीज़ को रिकग्नाइज करना जो है वो काफ़ी नहीं होता। ठीक है, नेम एंटिटीज़ जो हैं वो लेट्स से दो एंटिटीज़ हम आइडेंटिफाई करते हैं, ड्रग और डिजीज़। अब ड्रग और डिजीज़ के दरमियान डिफरेंट टाइप के रिलेशनशिप्स जो हैं वो हो सकते हैं, यानी कि ड्रग जो है वो क्योर कर सकती है एक डिजीज़ को, ड्रग जो है वो प्रिवेंट कर सकती है एक डिजीज़ को, या ड्रग जो है वो काज भी बन सकती है किसी डिजीज़ का। तो जब हमने एंटिटीज़ आइडेंटिफाई कर ली तो उसके बाद अगला स्टेप जो है वो ये है कि हमने ये जो एम्बिग्विटी है कि रिलेशनशिप्स क्या हो सकते हैं एक ड्रग और एक डिजीज़ के दरमियान, उन की एम्बिग्विटी जो है उसको हमने रिजॉल्व करना है कि वो क्योर है लेट्स से ड्रग जो है वो क्योर है डिजीज़ का, प्रिवेंट कर रही है या काज कर रही है। इसी तरह से अगर एक पर्सन और एक ऑर्गेनाइजेशन को हमने आइडेंटिफाई कर लिया है विद इन अ सेंटेंस, अब अगला स्टेप हमारा ये होगा कि हम वो रिलेशन आइडेंटिफाई कर सकें बिटवीन पर्सन एंड ऑर्गेनाइजेशन।
जैसे कि वो एक फाउंडर भी हो सकता है, पर्सन एक ऑर्गेनाइजेशन का, इन्वेस्टर भी हो सकता है, मेंबर भी हो सकता है और एम्प्लॉय भी हो सकता है, राइट? सो ये एम्बिग्युटी जो है, इसको नेक्स्ट हमारा स्टेप है कि इसको हम रिजॉल्व करेंगे। अच्छा, तो ये रिचर रिलेशंस जो हैं उसके लिए हम किस तरह से रूल्स जो हैं वो डिफाइन कर सकते हैं, ठीक है? तो इसमें हम जैसे कि इस तरह के रिलेशनशिप्स जो हैं, इस तरह के पैटर्न्स हम डिफाइन कर सकते हैं कि पर्सन पोजीशन ऑफ ओआरजी, ठीक है? जैसे कि ये जॉर्ज मार्शल जो है, मार्शल सेक्रेटरी ऑफ स्टेट्स ऑफ द यूनाइटेड स्टेट्स जो है, इसमें जो आप नोट करें कि ये जो पैटर्न बन रहा है, पर्सन के बाद कॉमा आ रहा है, उसके बाद पोजीशन आ रही है ऑफ, और उसके बाद ऑर्गेनाइजेशन का नेम आ रहा है, तो सेम वही पैटर्न ये नीचे वाले सेंटेंस के अंदर भी आ रहा है। तो इस तरह के पैटर्न्स को यूज़ करते हुए हम जो है वो इनके रिलेशनशिप्स को आइडेंटिफाई कर सकते हैं। इसी तरह से एक और रिलेशनशिप हम डिफाइन कर सकते हैं, पर्सन जो है उसके बाद नेम्ड, अपॉइंटेड या चूज का वर्ड आ सकता है, उसके बाद पर्सन, उसके बाद प्रपोजिशनल जो है वो ऑप्शनल होगी, और उसके बाद पोजिशन आएगी, ठीक है? तो इस तरह से भी हम रिचर रिलेशंस जो हैं वो आइडेंटिफाई कर सकते हैं, जो कि बेसिकली पर्सन और पर्सन के दरमियान में है कि किस पर्सन ने किसको अपॉइंट किया है और किस पोजीशन पे अपॉइंट किया है। इसी तरह से पर्सन और ऑर्गेनाइजेशन के दरमियान भी एक रिलेशनशिप हम इस तरह से डिफाइन कर सकते हैं पैटर्न के, पर्सन के बाद बी जो है वो ऑप्शनल होगा, उसके बाद नेम्ड, अपॉइंटेड और इसके बाद प्रेपोजिशन जो है वो ऑप्शनल होगी, और उसके बाद ऑर्गेनाइजेशन और पोजीशन जो है वो एंटिटीज आएंगे। तो इसमें हैंड बिल्ड पैटर्न जो अभी तक हमने डिस्कस किए हैं, जिसमें हमने पहले इज ए रिलेशनशिप्स देखे, और उसके बाद हमने रिचर रिलेशंस देखे जिसमें कि हमने एंटिटीज़ को यूज़ करते हुए पैटर्न्स डिफाइन किए, उसमें प्लस पॉइंट्स ये हैं कि इसमें ह्यूमन पैटर्न्स जो ह्यूमन जो पैटर्न डिफाइन करते हैं उनकी प्रोसीजर बहुत अच्छी होती है, ठीक है? यानी कि जो उसमें से रिलेशंस एक्सट्रैक्ट होंगे वो उनकी मोस्टली वो ठीक होंगे, ठीक है? और इसमें फिर अच्छी बात ये भी है कि जिस स्पेसिफिक डोमेन्स के लिए इनको चेंज किया जा सकता है, क्योंकि अगर मेडिकल की बात करें तो वहाँ पे डिफरेंट तरह के रिलेशंस हमने एक्सट्रैक्ट करने हैं। इसी तरह से अगर हम न्यूज़ वेबसाइट्स में से हमने जो है वो एंटिटीज़ और रिलेशंस एक्सट्रैक्ट करने हैं, तो वहाँ पे मे भी हमें डिफरेंट तरह के रिलेशंस जो हैं वो एक्सट्रैक्ट करने पड़े, तो इनको टेलर किया जा सकता है, इनको चेंज किया जा सकता है अकॉर्डिंग टू आवर नीड्स। माइनसेस इसमें काफ़ी हैं। माइनसेस ये हैं कि पहली चीज़ ये है कि ह्यूमन पैटर्न जो हैं इनकी नॉर्मली जो रिकॉल है वो कम होती है, ठीक है? यानी कि पैटर्न्स जो आएंगे वो तो ठीक होंगे, लेकिन बहुत कम एक्चुअल जो आने चाहिए उनमें से बहुत कम पैटर्न जो हैं वो रिट्रीव होंगे या मैच होंगे, ठीक है? और फिर इन पैटर्न्स को डिफाइन करते हुए भी बहुत टाइम जो है वो रिक्वायर्ड होता है। कितनी एग्जांपल्स हम देखेंगे और फिर उसकी बेस पे हम पैटर्न्स जो है वो डिफाइन करेंगे। तो और फिर हर रिलेशनशिप के लिए हमें ये देखना पड़ेगा, ठीक है? और फिर हमें बेहतर एक्यूरेसी भी चाहिए, ठीक है? और एक्यूरेसी हमें पता है कि प्रिसीजन और रिकॉल दोनों बेहतर होंगे तो हम ये कहते हैं कि बेहतर उसकी परफॉर्मेंस है। तो इन सारी चीज़ों की वजह से हम फिर क्या करते हैं कि बजाय हम मैनुअली पैटर्न्स डिफाइन करें, हम मशीन लर्निंग की जो टेक्निक्स हैं उनको यूज़ करते हैं, और उनकी बेस पे फिर हम जो हैं वो रिलेशंस एक्सट्रैक्ट करते हैं।